स्मार्ट आर्ट। गर्मी का मौसम हो या ठंड की शाम, आइसक्रीम के शौकीन लोगों के लिए यह किसी भी समय खाई जा सकती है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत सारे विटामिन मिनरल से भरी हुई आइसक्रीम, और ये है फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। फ्रूट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक पैन और उसके अंदर थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि दूध सीधे डालते ही जलना शुरू ना कर दे। और इसी के साथ डालेंगे 1 लीटर दूध, और मैं अमूल ताज़ा मिल्क यूज़ कर रही हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है, कैसे भी आप सिंपल मिल्क ले सकते हो। 1 लीटर दूध हमने पैन के अंदर डाल लेना है। अब बस हमने इसे गर्म करना है और एक उबाल तक पकाना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे स्टर करते रहें ताकि मलाई की लेयर ना बन पाए। दूध में एक उबाल आ चुका है और अब हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, लेकिन इसे साथ में चलाते रहना है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और अब चलेंगे सेकंड स्टेप पे। अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन के अंदर 1/2 कप मिल्क पाउडर। सो 1/2 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और इसमें हमने पानी डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। नॉर्मल वाटर है, बिल्कुल हमने इसे ना गर्म किया है और ना ही ठंडा है। अच्छे से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बस बिल्कुल इस तरह से हमने इसे अच्छे से घोल लिया है। अब जो हमने पैन के अंदर दूध गर्म किया था उसी के अंदर हमने इस मिल्क पाउडर को डालना है, लेकिन एकदम से हमने सारे का सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पैन के अंदर डालेंगे और साथ में ही हम इसे स्टर करते रहेंगे ताकि ये तले के साथ बिल्कुल नहीं चिपके। धीरे धीरे से इसी तरह से हिलाते हुए हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर जो हमने मिक्स किया था उसे डाल देना है। आंच को धीमा कर देंगे और दूध को पकने देंगे, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और ये वनीला टेस्ट है, और इसी के अंदर आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वाटर के साथ इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सेम कंडीशन, किसी भी तरह से लम्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। जिस तरह से हमने मिल्क पाउडर के पेस्ट को मिक्स किया था उसी तरह से हम कस्टर्ड डालेंगे। एकदम से हमने सारा कस्टर्ड दूध में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसी के साथ दूध को हिलाते रहेंगे। सो पूरे का पूरा हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाल देना है, और कस्टर्ड को डालने के साथ इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हमें एक और स्पेशल चीज़ डालनी है, और ये है शुगर। शुगर हमने ली है 3 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद हमने इसे फिर से अच्छे से हिलाते हुए मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है, सो जितनी ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी होगी उतना ही बढ़िया इसका फ्लेवर होगा। सो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। आइसक्रीम काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, फ्लेम को करेंगे बंद, लेकिन हमने इसे स्टर करना बंद नहीं करना है। इसी तरह से हमने इसे हिलाते रहना है, और जब हमने इसे ठंडा करना है तब भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे इसी तरह से हिलाते रहेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से है। हमने विस्क की हेल्प से इसे हिलाते रहने की वजह से इस पर क्रीम की कोई लेयर नहीं है। और अब लेंगे एक आइसक्रीम मोल्ड, और सारे आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने इस मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देना है। बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही स्मूदी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, और अब ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर। लेकिन रुकिए, ऐसे हमने इसे फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना, इसके ऊपर लगाएंगे एक प्लास्टिक शीट ताकि किसी तरह से भी आइस ना जमने पाए, प्रॉपर आइसक्रीम बने। अब इसे रखेंगे फ्रीज़र के अंदर
5 से 6 घंटे के लिए। 5 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। सो इसके ऊपर का जो पेपर हमने लगाया था उसे हटा दीजिए। अगर आप कवर वाला बॉक्स यूज़ कर रहे थे तो कवर को हटाने के बाद हमने आइसक्रीम को शिफ्ट करना है। इस तरह से हमने इसमें से निकाल कर इसे मिक्सर जार के अंदर डाल देना है। अब बस लिड लगाकर अब हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड हो जाने के बाद ये अच्छे से फ्लफी हो चुकी है, लेकिन अभी भी खाने के लिए रेडी नहीं है। वापस से हमने वही मोड लिया है और उसी के अंदर हमने अपनी सारी आइसक्रीम को दोबारा से शिफ्ट कर देना है। अब लेंगे ढेर सारा फ्रूट जो भी सीजनल अवेलेबल हैं। और जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे मार्केट में, सबसे पहले है ऑरेंज जिसमें सीड्स निकाल लिए हैं, कीवी और इसी के साथ है प्लम्स, इसके बाद है ब्लूबेरी और ब्लूबेरी के बाद है मैंगो और एक ट्विस्ट है और ये है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी ये ड्राई क्रैनबेरी है, हम ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस धीरे धीरे हमने सारे फ्रूट्स डाले हैं। आइसक्रीम के अंदर चले जाएंगे और क्योंकि 50% तक आइसक्रीम फ्रीज है और अब है बारी इसे कवर करने की। बस उसी तरह से हम ले रहे हैं प्लास्टिक शीट और अच्छे से प्लास्टिक शीट से हमने आइसक्रीम को कवर कर। इसके साथ एक और सीक्रेट है और ये है एल्युमिनियम फॉइल। प्लास्टिक शीट से कवर करने के बाद हमने इसे एल्युमिनियम फॉइल के साथ भी अच्छे से कवर कर दे रहा है और अब हम इसे फ्रीज करेंगे 4 to 5 hours, 4 to 5 घंटों के लिए। 5 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, तो जल्दी से इसे खोलकर देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम। वाओ, बहुत ही यमी और डिलीशियस लुक है। तो अब बारी है इसे सर्व करने की। किसी भी स्पून की हेल्प से बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम, स्पून की हेल्प से हमने इसे सर्व करना है। तो बस इसे सर्व कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।